एनएसपी सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रफ़ीक। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पिक्चर को कैसे इंसर्ट किया जाता है और हम पिक्चर में क्या क्या इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो अब हम फाइनली अपने कंप्यूटर स्क्रीन में आ गए हैं। तो हम क्या सीखेंगे यहाँ? पिक्चर को इंसर्ट करना। पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में जो ही जाएंगे उसमें से जो तीसरा ऑप्शन है इलस्ट्रेशंस, और उसमें सबसे पहला है पिक्चर। तो हमें क्या करना है, पिक्चर में क्लिक करना है। पिक्चर में हम यूं ही क्लिक करेंगे, हमारे सामने दो ऑप्शन आएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। पहला है डिश डिवाइस, दूसरा है ऑनलाइन पिक्चर। डिश डिवाइस से जो आपका पहले से पिक्चर आपका कंप्यूटर में रखा हुआ है उसको आप इंसर्ट कर सकते हैं, और ऑनलाइन से अगर आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट है तो आप उस पिक्चर को इंटरनेट से सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, जो मेरा कंप्यूटर में पहले से पिक्चर रखा हुआ है उसी को इंसर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए डिश डिवाइस में जाएंगे। जाने के बाद हमें उस लोकेशन को सेलेक्ट करना है जहाँ पर पिक्चर हमने रखा है। तो चलिए हम इस पिक्चर इसमें से क्या कर सकते हैं, किसी भी एक पिक्चर को सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे क्लिक कर देंगे और इंसर्ट कर देंगे। इस तरह से पिक्चर हमारे सामने इंसर्ट होकर के आ जाएगा। अब इंसर्ट जो ही हुआ तो देखिए उसमें क्या हो जाएगा, पिक्चर का फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। अब उसमें क्या है, सबसे पहला ऑप्शन है एडजस्ट, दूसरा है पिक्चर स्टाइल, तीसरा है एसेबिलिटी, चौथा है एरेंज और पांचवा है साइज। तो हम सीखेंगे सबसे पहला एडजस्ट करना आज, कि पिक्चर को कैसे एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले पिक्चर को छोटा कर लेते हैं। ऐसे पिक्चर को छोटा करते हैं, लेकिन हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फर्स्ट टाइम ही किसी भी पिक्चर को इंसर्ट करते हैं, तो फर्स्ट टाइम उस पिक्चर को मूव आप नहीं कर सकते हैं। छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं। तो मूव करने के लिए हम जो ये अरेंज जो है, अरेंज में देख सकते हैं यहाँ पोजिशन है, दूसरा है टेक्स्ट वेब, सॉरी रेप टेक्स्ट, इसमें हमें क्लिक करना है वेब टेक्स्ट में और इसमें हम थ्रू कर देंगे। अब थ्रू करने का देखिए इस तरह से पिक्चर को मूव कर सकते हैं। तो मूव करने के बाद हमें पिक्चर का जो फॉर्मेट है इसी में है, तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है एडजस्ट, तो हम इसी के बारे में सीखेंगे। एडजस्ट में सबसे पहला है रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड पे हम जूँ ही जाएंगे तो देखिए इस तरह से हमारे सामने रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन आ जाएगा। उसमें सबसे पहला है मार्क्स एरिया टू कीप, दूसरा है मार्क्स एरिया टू रिमूव, तीसरा है डिस्कार्ड ऑल, और चौथा है कीप चेंज। देखिए मार्क्स एरिया जो कीप में क्या होगा, अगर आप किसी पार्टिकुलर एरिया को उस पिक्चर का ऐसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, देखिए इसमें क्लिक करेंगे और हम क्या करेंगे, इसमें हम एक्सेप्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो जो वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मार्क्स एरिया टू कीप, तो जो एरिया को हमने मार्क्स किया है सेलेक्ट किया है वो एरिया रह जाएगा और बाकी हट जाएगा। उसी तरह से क्या है मार्क्स एरिया टू रिमूव, ठीक है, अगर पिक्चर के उस एरिया को हम सेलेक्ट कर लेते हैं जिसे हमें रिमूव करना है, ऐसे किसी भी एरिया को इस पिक्चर का, तो उसके बाद क्या करेंगे कीप इट चेंज में क्लिक कर देंगे और वो चेंज हो जाएगा। अगर हमें किसी भी तरह का चेंजेज नहीं करना है तो हमें क्या करना है डिस्कार्ड ऑल चेंज में क्लिक कर देना, देखिए वो हट जाएगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप पिक्चर के बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन है करेक्शन। करेक्शन में हम जो ही क्लिक करेंगे देखिए इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है शार्पेन एंड सॉफ्टेन। इसमें हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर का देखिए सारे अलग अलग इफेक्ट हम डाल सकते हैं, देख रहे हैं। अब दूसरा क्या है ब्राइटनेस, ब्राइटनेस से क्या कर सकते हैं, पिक्चर के लाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, देखिए है यहाँ से जैसा आपको लेना है वैसा आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, और वो इफेक्ट पिक्चर पे अप्लाई हो जाएगा। चलिए हम इसको ले, तो देखिए वो पिक्चर पे अप्लाई हो गया। अब क्या है, हमें ये इफेक्ट नहीं रखना है, तो उसके लिए यहाँ पर रिजेक्ट ऑप्शन है, रिजेक्ट में क्लिक कर देंगे। अब हम उसी में जाते हैं करेक्शन में, जो ही जाएंगे देखिए नीचे में है पिक्चर करेक्शन ऑप्शंस, हम जो ही क्लिक करेंगे राइट साइड में इस तरह का जो फॉर्मेट पिक्चर है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं शार्पनेस को कम ज़्यादा करना है, देखिए कर सकते हैं ऐसे हो रहा है। उसी तरह से ब्राइटनेस को करना है, यहाँ से ब्राइटनेस को कर सकते हैं, नहीं रखना है उसको रिजेक्ट कर देंगे, वो सब रिजेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा क्या है कलर्स, कलर्स में हम जाएंगे, ये सारे अलग अलग कलर्स हैं जो भी आपको लेना है उसमें हम क्लिक कर देंगे, वो कलर पिक्चर पर अप्लाई हो जाएगा। उसी तरह से अगर मोर कलर आप ऐड करना चाहते हैं वो भी ऐड करते हैं, तो चलिए हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं ये रिजेक्ट पिक्चर से। अब कलर में जाएंगे नीचे देख सकते हैं ये क्या है मोर वेरिएशंस, वेरिएशंस है, इसमें हमें क्लिक कर देना है, देखिए इस तरह से हमारे सामने बहुत सारा आ जाएगा, यहाँ से ले सकते हैं। अगर और भी आपको अपने से कुछ जो है कलर को चेंजेज करना हो तो उसके लिए मोर कलर में जाएंगे इस तरह से, देखिए कस्टम कलर का जो डायलॉग बॉक्स वो ओपन हो जाएगा हमारे सामने। इस तरह से आप यहाँ पर दो पार्ट है, एक है स्टैंडर्ड दूसरा है कस्टम। अगर स्टैंडर्ड में हम जाएंगे यहाँ से ले सकते हैं, अगर कस्टम में जाएंगे तो जो भी कलर आप सेलेक्ट किए हैं उसी के लाइट को कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, देखिए ऐसे अब उसको ओके कर देंगे वो कलर इस पर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कलर का अप्लाई कर सकते हैं। और भी इसमें जैसे देख सकते हैं बहुत सारा है, ट्रांसपेरेंट कलर है, उसके बाद जो है पिक्चर ऑप्शन है, बहुत सारा है, वो आप सारे इफेक्ट आप यहाँ से
अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं आर्टिस्ट इफेक्ट। इसमें हम जो ही जाएंगे, देखिए इस तरह का जो आर्टिस्ट इफेक्ट क्या कर सकते हैं, पिक्चर पे अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं जैसा भी आपको देना है उस इफेक्ट पे हम क्लिक कर देंगे और वो इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा पिक्चर पे। अगर नहीं रखना है तो फिर हम रिजेक्ट में जाएंगे और उस इफेक्ट को हम रिजेक्ट कर देंगे। फिर हम जाएंगे आर्टिस्ट इफेक्ट में ही। अब देखिए नीचे में आर्टिस्ट इफेक्ट ऑप्शंस पे जाएंगे, राइट साइड में इसी तरह से फॉर्मेट पिक्चर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से जो भी इफेक्ट देना चाहते हैं दे सकते हैं, अगर नहीं देना है तो इसको हम क्लोज कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस पिक्चर से क्या होता है कि पिक्चर के साइज को, जैसे ये विथ और हाई को की बात नहीं कर रहे हैं हम, इसमें पिक्चर का साइज जैसे कि आप का जो वीडियो ही होता है तो उसका भी क्वालिटी होता है, जैसे MP4 में होता है, HD होता है, 4K अलग अलग टाइप्स का होता है, उसी तरह से पिक्चर का क्वालिटी भी अलग अलग टाइप का होता है। अगर आपका पिक्चर हाई रेजोल्यूशन का रहेगा तो पिक्चर का साइज 2 MB, 3 MB, 4 MB इस तरह से आ सकता है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उस फाइल को सेव करते हैं जिस फाइल को, जिस डॉक्यूमेंट पे आपने क्या किया है पिक्चर को इंसर्ट किया है, अगर आपका पिक्चर 3 MB, 4 MB का रहता है तो ऐसे में क्या होगा, फाइल का साइज भी बड़ा होगा। तो हम फाइल के साइज को शॉर्ट करने के लिए, तो ऐसे में हम क्या करते हैं पिक्चर को कंप्रेस कर देते हैं, और कंप्रेस करने पर क्या हो जाएगा उस पिक्चर का साइज छोटा हो जाता है। तो जैसे कैसे करना है कंप्रेस, उसके लिए हमें क्या करना है, कंप्रेस पिक्चर पे जाएंगे। देखिए इस तरह से कंप्रेस पिक्चर का जो डायलॉग बॉक्स है हमारे सामने ओपन होकर के आ जाएगा। उसमें जैसे देख सकते हैं प्रिंट 220 PPI लिखा हुआ है, देख देख सकते हैं यहाँ पर एक्सीलेंट क्वालिटी ऑन मोस्ट प्रिंटिंग एंड स्क्रीन्स लिखा हुआ। उसी तरह दूसरा में वेब है 150 PPI का है, उसी तरह से ईमेल का है। अब इसमें से जो भी लेना चाहते हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ऊपर में ये हाईलाइट नहीं करना, कोई बात नहीं। तो इसमें से जी तीनों में से जो भी लेना चाहते हैं उसको ले लेंगे और पिक्चर का साइज उतना में ही हो जाएगा। अब हम फाइल को अगर सेव कर देंगे तो फाइल का साइज जो अगर पहले अगर हमारा 1 MB का था, अगर पिक्चर का साइज अगर 400 KB का हो गया तो आप क्या होगा वो फाइल साइज भी कम हो जाएगा। तो ये होता है कंप्रेस पिक्चर का काम। अब दूसरा है चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर से क्या कर सकते हैं, जो पिक्चर आपने इंसर्ट कर लिया आपको ये पिक्चर नहीं चाहिए, इसके जगह दूसरा पिक्चर चाहिए, तो आप पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम जाएंगे चेंज पिक्चर पे। चेंज पिक्चर पे जो ही जाएंगे इसमें से हमारा जो है क्या आ जाएगा, तीन ऑप्शन आएगा, चार ऑप्शन आएगा। एक है फ्रॉम ए फाइल, दूसरा है फ्रॉम ऑनलाइन सर्च, और चौथा है फ्रॉम आईकॉन्स, पाँचवा है फ्रॉम क्लिप बोर्ड। हमें क्या करना है, फाइल से लाना है तो उसके लिए फ्रॉम फाइल में जाएंगे, फिर हमें इसमें से जो भी पिक्चर को लेना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। इस तरह से वो पिक्चर चेंज हो जाएगा। अब दूसरा क्या है इसमें, रिजेक्ट पिक्चर। रिजेक्ट पिक्चर से क्या कर सकते हैं, आप पिक्चर पे जो भी इफेक्ट अप्लाई करते हैं उस इफेक्ट को आप रिजेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, चलिए हम किसी भी तरह का इफेक्ट यहाँ से पिक्चर पे हम अप्लाई कर देते हैं जो भी देना है। ठीक है, जैसे यही ले लिए, अगर आर्टिस्ट टाइप का इफेक्ट देना है यहाँ से हम जैसे यही ले लिए, देखिए इस तरह का इफेक्ट कर दिए। अब हमें क्या करना है, कुछ भी इफेक्ट नहीं रखना है, सबको रिजेक्ट कर देना है। उसके लिए रिसेट पे जाएंगे, देखिए इस तरह से वो रिसेट हो जाएगा। यानी जो भी आप हाँ पिक्चर पे जो भी इफेक्ट वगैरह अप्लाई करते हैं तो वो हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। तो आज हम सीखे पिक्चर को एडजस्ट करना। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। MS वर्ड से रिलेटेड किसी भी तरह का वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।